नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरी सेवा सादर चरण स्पर्श। दोस्तों, मैंने एक कहानी पहले भी सुनाई थी, वो राजा मूर्धज की थी। उसमें ये क्या था कि दान किस प्रकार दिया जाता है, तो उसमें किसी बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट थी कि आप इस कहानी को अपनी बोली में न सुनाकर आप इसको हिंदी में सुनाओ ताकि हम भी सुने। तो उन्हीं के कहने के अनुसार मैं थोड़ा बहुत हिंदी में आपको एक कहानी दूसरी कहानी सुना रहा हूँ। पर दूसरी कहानी का आशय ये है कि ऐसा भी काम न करें कि किसी के पास कल मांगने भी न जा सको। मतलब हम ऐसा कोई काम न करें, ऐसी गलती न करें कि किसी के पास कल मांगने भी न जा सके। मैंने इतना घमंडी भी हमको नहीं होना चाहिए कि किसी बात कुछ मांग ना पाए। कोई गरीब आदमी है, आज हम उसका अपने अभिमान में उसका इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, या कहीं किसी प्रकार उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता कल वो हमारे किस काम आ जाए। और कभी भी इस भावना में, कभी हमारे दिल में ऐसी कोई भावना नहीं आनी चाहिए कि कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा है। वक्त वक्त पता नहीं कब किसका कैसे आ जाता है, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो आप इस कहानी को जरूर सुने कि वक्त, बड़े बड़े लोगों को भी झुकना पड़ा वक्त के समय। तो मैं बाहर के संदर्भ नहीं दूंगा आपको, अपने भारतीय इतिहास में से ही, संस्कृति में से ही कुछ ऐसे संदर्भ दे रहा हूं आपको, ताकि आपका थोड़ा बहुत संस्कृति प्रति झुकाव हो, रुझान हो, और आप थोड़ा बहुत समझें कि हमारे संस्कृति में क्या था क्या नहीं था। तो मैं आज आपको एक कहानी सुना रहा हूं महर्षि दधीचि की। वैसे आप लोगों सबको पता है कि महर्षि दधीचि क्या थे, कौन थे, लेकिन जो भूल गए हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जिन्होंने कभी पढ़ी नहीं उनको मैं ये कहानी सुनाना चाहता हूँ, ये दोनों भाइयों के लिए। अगर कोशिश करें तो सब सुने और आपका भी ज्ञान थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा, आप भी हमारी हिंदी संस्कृति से परिचित हो जाएंगे कि एक्चुअली था क्या। तो भाइयों, ये महर्षि दधीचि आपको पता ही कि बहुत यशस्वी थे, बहुत तपस्वी थे, बहुत ज्ञानी थे। तो इनके ये जो है ऋषि अथर्वा के पुत्र थे। और इनके माँ के बारे में थोड़ा सा दो तीन बातें चलती हैं, मतलब किंवदंती, कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ अलग अलग पुराणों में अलग अलग इनकी माँ का नाम बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चित्ती के बेटे थे, और कुछ पुराणों में ये लिखा गया कि ये कर्दम ऋषि की पुत्री शांति के बेटे थे। तो हमारा विषय कुछ और है, इसलिए इस सब्जेक्ट में न जाकर मैं आपको इतना बताता हूँ कि ये अथर्व ऋषि के पुत्र थे और शांति के बेटे थे या चित्ति के बेटे थे। तो इनके बारे में तो सारा संसार जानता है, भारतीय संस्कृति में इनका नाम बहुत ही उससे लिया जाता है, सम्मान के साथ लिया जाता है। तो इतने बड़े दानी, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े तपस्वी ऋषि कोई नहीं हुए भारत की भूमि पर। तो मेरी किस कथा सुनाने का आशय यही है कि कुछ भी ऐसी गलती ना करें कि कल किसी पास मांगने में जा सकें। तो ये कहानी तब की है दोस्तों, जब इस धरती पर दधीचि बहुत बड़े विद्वान तपस्वी थे और उनको इतना बड़ा ज्ञान हो गया, उनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो गया। इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ ही कुछ लोगों को था, पर पृथ्वी लोक में एकमात्र ऋषि महर्षि थे जिनको दधीचि थे, जिनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान हुआ। ब्रह्म विद्या का ज्ञान मतलब संपूर्ण वेदों सभी चीज़ों का ज्ञाता हो जाना और परकांड हो जाना, ठीक है। जब उनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं इस ज्ञान को किसी न किसी को दूंगा, लेकिन जो उचित होगा इसके लिए, जो उचित व्यक्ति इसके लिए होगा उसको मैं ब्रह्म विद्या का ज्ञान दूंगा, ये दधीचि ऋषि ने निर्णय लिया। अब क्या, इंद्र महाराज जी देवताओं के राजा थे, उन्होंने सोचा मैं देवताओं का राजा हूँ, क्यों ना मैं ही चला जाऊँ। तो वो आए दधीचि ऋषि के पास आए। अब उन्होंने क्या किया कि दधीचि ऋषि से बोला कि ऋषिवर, आप मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए। तो सबका तरीका अलग अलग होता है, किसी को थोड़ा घमंड होता है, तो किसी को उनको राजा का घमंड था, मैं देवताओं का राजा हूँ तो ब्रह्म ऋषि डर के दे देंगे, जो भी है। तो दधीचि महाराज ने कहा, हे देवेंद्र, मेरी दृष्टि में आप इसके लिए उपयुक्त व्यक्तित्व नहीं हो, आप ब्रह्म विद्या के लायक नहीं हो। अब ऋषि हैं, महर्षि हैं, उन्होंने बोल दिया सपा शब्दों में। ये बात जो है इंद्र को बहुत बुरी लग गई,
इन्होंने एक बार फिर रिक्वेस्ट किया, अन्य विनय किया, हे देवर्षि, हे महर्षि, आप मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए या मुझे ब्रह्म विद्या सिखा दीजिए। तो दधीचि ऋषि ने साफ मना कर दिया कि इंद्र महाराज, आप जो है इस ज्ञान के, इस विद्या के लायक नहीं है। मैंने समझा कि आप इसके लिए उचित हो, मेरी दृष्टि में आप इसके लिए उचित नहीं है, इसलिए आप जो है मुझे माफ कीजिए। अब इस पर जो है इंद्र महाराज को गुस्सा आ गया। इंद्र महाराज ने बोला, ठीक है महर्षि, अगर आप मुझे इस ज्ञान को नहीं दोगे, जिसको भी इस ज्ञान को दोगे, जब भी दोगे, मैं आपकी गर्दन काट दूंगा। ठीक है, ये बात चारों जगह दिशाओं में फैल गई, देवलोक, पृथ्वीलोक, भूलोक, सब जगह। जब सब जगह ये बात फैल गई तो ये बात कुछ दिनों में आई गई होगी। फिर कुछ दिनों बाद देवलोक से अश्विनी कुमार जो है धरती पर आए। उन्होंने दधीचि महाराज से, ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, आप हमें ब्रह्म ज्ञान दोगे क्या? उन्होंने बहुत प्रेम से, दिल से, हृदय से बोला, क्या आप हमको इस लायक समझते हो जो आप हमें ब्रह्म विद्या सिखाओगे? तो दधीचि ने बोला, विद्या तो मैं आपको सिखा दूंगा, पर आपको इंद्र की शर्त पता है? इंद्र मेरे को क्या बोल गए कि जब भी तुम इस ज्ञान को दोगे, तुम्हारे गर्दन हम काट देंगे। तो अश्विनी कुमार ने कहा, महाराज, इसके लिए हम आपके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा वो करेंगे कि जो आपका भी मान बचा रहे और हमारा भी ज्ञान बना रहे, हमको भी ज्ञान मिल जाएगा, विद्या मिल जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, अश्विनी कुमारों ने क्या किया कि महाराज, हमारे पास एक युक्ति है, आपका जो असली सर है उसको काट के हम अलग कर देंगे, उसकी जगह हम अश्व सर, मतलब घोड़े का एक सर काट के लगा देंगे। दधीचि महाराज इसमें तैयार हो गए कि चलो ठीक है। उन्होंने क्या किया, अश्विनी कुमारों ने महर्षि का सर काट दिया, वो अलग रख दिया असली सर, और उसकी जगह घोड़े का सर लगा दिया। फिर बोला, महाराज अब हमको ब्रह्म विद्या सिखाइए। तो दधीचि ने उनको ब्रह्म विद्या सिखा दी। अब ब्रह्म विद्या सिखा के ये बात जो है ना पूरा देवलोक में फैल गई कि अश्विनी कुमारों ने ब्रह्म विद्या दधीचि से सीख ली। अब इंद्र को तो पता ही था कि मैंने क्या बोला था, उसने मेरे महर्षि ने मुझे सिखाया नहीं, तो मैंने उनको दंड हेतु उनकी गर्दन काटनी है, मतलब जलन हेतु जो भी है। अब क्या हुआ कि इंद्र जी महाराज नीचे आए और उन्होंने दधीचि की गर्दन काट दी। अब वो तो अश्व का सिर था, उन्होंने काट के अलग फेंक दिया, जब वो वापस ले गए तो उन्होंने वापस उनका असली सर वापस लगा दिया। तो वो दधीचि तो ज्यों के त्यों हो गए जैसे थे। लेकिन ये सब खत्म होने कुछ दिन चलता फिरता रह गया। अब इसी दौरान क्या हो गया, देवलोक पर वृत्रासुर राक्षस ने भयंकर लड़ाई छेड़ दी और वहाँ पर इतना वो कर दिया, संहार कर दिया कि देवलोक को ही अपने कब्जे में कर लिया। त्राई माम त्राई लाम, पूरा देवलोक में जो है ना आफत आ गई इंद्र लोगों की। इंद्र राजा थे, उनकी अपने प्रजा को बचाने लेते, इंद्र का ही काम बनता है। अब वो जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए कि महाराज हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। तो उन्होंने बताया कि भाई क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि महाराज, वृत्रासुर नाम का राक्षस है, उसने देवलोक पर जो है ये अटैक कर दिया है, झगड़ा हमारे ऊपर लड़ाई कर दी और हम जो है बहुत आफत में हैं, आप हमको बचा लीजिए। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि भाई, उस वृत्रासुर को तो ऐसा वरदान हासिल है कि वो किसी हथियार अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। अब वो हथियार से भी नहीं मरेगा तो कैसे काम चलेगा? वृत्रासुर को वरदान की काट कुछ तो कुछ होगी महाराज। उन्होंने कहा भाई, वृत्रासुर की काट तो है, जब कोई महान तपस्वी जो अपने हड्डियों का दान दे, उससे जब कोई हथियार बनाया जाए तभी वृत्रासुर की मृत्यु हो सकती है। और वो पृथ्वीलोक एक ही ऋषि है दधीचि, जिसने अपने तप बल से, अपने तपस्या के बल से ये मतलब वो हासिल कर रखा है, अर्जन कर रखा है इतना ज्ञान, और पूरे ब्रह्मांड में एक ही मात्र तपस्वी है दधीचि, ऐसा महर्षि है, उसके अलावा और किसी को कुछ नहीं चलने वाला। अब इंद्र महाराज ने तो आपको पता ही है कि पहले थोड़ा कि क्या किया था इंद्र महाराज ने, उसको परेशान किया, उसकी गर्दन काटी है, अब कैसे जाए? एक बार सोचे कि जाऊं कि न जाऊं, लेकिन फिर भी प्रजा का,
जब प्रजा को बचाना है, राजा का कर्तव्य होता है, तो इस कर्तव्य को समझकर इंद्र महाराज जी डरे समय बड़े उस भाव से कि क्या करूं मैं, मैंने ऐसा किया था दधीचि, जाऊं कैसे। फिर वो दधीचि महाराज के आश्रम में आ गए, तो दधीचि महाराज के आश्रम आए तो ऋषि मुनियों का तो व्यवहार पहले अब बाद में कुछ मन को फर्क ही नहीं पड़ता, तुमने क्या किया क्या नहीं करता, वो एक जैसे व्यवहार करते हैं। तो जैसे वो यहाँ वहाँ पर आए तो दधीचि ने उनका बिछौना बिछाया, वहाँ पर बैठाया और पूछा कि देवराज इंद्र कैसे आना हुआ, क्या सेवा की जाए आपकी। तो इंद्र महाराज तो पहले आत्मग्लानि से वो थे, अब क्या बोले क्योंकि यहाँ तो मांगने आए हुए हैं। तो बड़ी कष्ट के साथ इंद्र ने अपनी व्यथा सुनाई कि महर्षि आप ही हमको बचा सकते हैं और आपकी दया पर पूरा देवलोक अब बच सकता है, तो आप अगर कुछ हमारे लिए कर सकते तो बड़ी कृपा होगी आपकी। तो दधीचि महाराज ने बोला कि नहीं आप अपनी बात खुल के बोलो। तो इंद्र ने बोला कि महाराज बृहदासुर नाम का राक्षस है, उसने देवलोक पर जो बहुत आतंक मचा रखा है, अब उसको मारने के लिए उसके ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि उनसे वो मरेगा ही नहीं, तो इसलिए उसके लिए किसी महर्षि की हड्डियों की जरूरत है जिससे कि हम उसका हथियार बनाकर उसको मार सकते हैं, तभी वो मरेगा। तो आपसे हमारी विनती है कि आप अपने हड्डियों का दान हमें कर दें। महर्षि दधीचि ने बोला ठीक है हम अपने हड्डी को दान कर देते हैं। तो उस समय महर्षि दधीचि की जो पत्नी थी उनका नाम है गवस्तनी, पत्नी गवस्तनी जो है उस समय प्रेग्नेंट थी, गर्भा उनके पेट में गर्भ था। अब वो जंगल में उस समय कुछ फल फूल लेने या लकड़ी लेने जा रखी थी क्योंकि ऋषि अकेले घर पे थे तो लेने जा रखी थी। तो वो ऋषि दधीचि ने कही थोड़ा मेरी पत्नी आ जाएगी तो उसके बाद मैं तुम्हारा ये सब कर दूंगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं महाराज आपकी पत्नी आएगी तो वो शायद आपको कुछ भी बाधा अवरोध कर सकते हैं, इसलिए जो आप अभी आपको दान दे दो उसके बाद हम देख लेंगे। तो महर्षि ने उनकी वो देखी कि भाई इनको आतुरता देखी, ये परेशान हो रहे हैं, तो महर्षि ने कहा ठीक है। महर्षि अपने योग ध्यान में बैठे, अपना शरीर त्याग दिया, उनको दान दे दिया इंद्र को कि लो ये मेरा शरीर। अभी शरीर तो दान दे दिया पर शरीर तो हड्डी हड्डी को नहीं होता, उसमें मांस होता है। अब इनको देवताओं को बड़ी संकट आ गई, भाई ऋषि ने तो हमको शरीर दान दिया लेकिन इसकी चमड़ी निकालेगा कौन, ये फिर धर्म संकट में फंस गए। तब इन्होंने क्या कि काम जो माता को रिक्वेस्ट करी, माँ हम तो फंस गए, इस ऋषि के शरीर से मांस कौन निकालेगा चमड़ी कौन निकालेगा, ये तो हमारा काम ही नहीं है। उसके बाद कामधेनु माता को उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी, कामधेनु माता ने क्या किया वहाँ पर आई अपने जीभ से चाट चाट के चाट चाट के उसका मांस पूरा ख़त्म कर दिया। जब मांस खत्म होने पर आ गया तो उसी समय महर्षि दधीचि की पत्नी गवस्तनी वहाँ पहुँच गई। गवस्तनी ने बोला कि तुम लोगों ने ऐसा क्या किया ऐसा किया, तो उन्होंने वो व्यथा महर्षि की धर्मपत्नी गवस्तनी को सुनाया कि भाई ऐसा सही इंद्रलोक पर देवलोक पर जो है विपत्ति आई हुई है, इसके लिए हमने महर्षि जी से ये दान मांगा है, उनके हड्डियों का दान मांगा है, तो जो भी है अब ये हो गया। तो गवस्तनी ने कहा कि ठीक है आपने तो दान मांगा लेकिन मैंने तो सती होना है, कैसे होगा ये, तो सती होने के लिए शरीर चाहिए। उन्होंने कहा कि अब सती तो होना ही होना लेकिन उनके पेट में बच्चा है, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि सती तो आप होंगे लेकिन पेट बच्चे पेट के बच्चे का क्या होगा। फिर देवताओं ने गवस्तनी से बहुत भारी रिक्वेस्ट की, उन्होंने विनय किया, उन्होंने वो बच्चा जो है वहाँ से वो बच्चा प्री मेच्योर दे के देवताओं को पकड़ा दिया। देवताओं ने क्या किया एक पीपल का पेड़ था, पीपल पेड़ को हाथ जोड़े, पीपल देवता इस बच्चे को रक्षा करना आपकी ड्यूटी है, तो वो बच्चा जो पीपल में पीपल के अंदर रख दिया। तो पीपल के अंदर रखते उस बच्चे का नाम बाद में पिपलाद हो जाता है। अब यहाँ की कहानी ख़त्म हो गई। अब ये जो है उसकी उनकी सती करके उसके बाद वो हड्डियों के लिए जाते हैं, उसका हथियार बनता है वज्र जो इंद्र का आज मुख्य हथियार है। फिर भीषण लड़ाई होती है, उस वज्र से जो है बृहदासुर राक्षस को मारा जाता है और ये कहानी बृहदासुर उसकी ख़त्म होकर यहीं पर समाप्त होती है। तो इससे मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि
ऐसा भी ना करें कि किसी से मांग भी ना पाए। आपको इस कार्य से यही सीख मिलती हो तो आप देख लो। इसी के बाद आपने कहानी सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा हाजिर होंगे नई कहानी के साथ।